हेलो एवरीवन, वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही रिफ्रेशिंग कैफे स्टाइल वाटरमेलन मोहितो सिर्फ 5 मिनट में। और रेसिपी का बेस्ट पार्ट है कि हमने इसमें बिल्कुल भी शुगर यूज नहीं की है। ये इतना टेस्टी और रिफ्रेशिंग है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है, उसमें थोड़े से पीसेस डाल रही हूँ वाटरमेलन यानी तरबूज के, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 8 से 10 पत्ते पुदीने के। इसको मैं हाथ से ही तोड़ के डाल रही हूँ। पुदीने को चाकू से ना काटें क्योंकि वो फिर काला पड़ जाता है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ नींबू का रस, ये आधे नींबू का रस है, मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। और साथ ही में डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काला नमक, आप चाहें तो 3/4 स्पून तक डाल सकते हैं। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्रश करना है, जिसके लिए हमें एक मडलर चाहिए। तो हम ऐसा ये एक लकड़ी का मेरे पास मडलर है जो अदरक वगैरह कूटने के काम आता है। अगर आपके पास नहीं हो तो बेलन तो सबके पास ही होता है, तो आप इसको बेलन से भी ऐसे क्रश कर सकते हैं। तो मैं ये एक मडलर से इसको अच्छे से इसमें क्रश कर रही हूँ ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से घुल मिल जाएं। पुदीने की पत्तियाँ अच्छे से क्रश हो जाएंगी और वाटरमेलन भी क्रश हो जाएगा, सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप सेपरेटली एक बोल में इसको अच्छे से क्रश करके बना सकते हैं और फिर इक्वली इस सब ग्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करके डाल सकते हैं। तो तरबूज और पुदीने की पत्तियाँ अच्छे से क्रश हो गई है। अब मोहितो को असेंबल करने से पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर वाटरमेलन का थोड़ा सा जूस रेडी किया है। मैंने वाटरमेलन के पीसेस को कट करके मिक्सी जार में डाल दिया था और इसे ग्राइंड करके हमने छान के इसका जूस रेडी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिया है अभी 1 ग्लास के हिसाब से, और मैं थोड़े से ये वाटरमेलन के पीसेस को स्कूप करके निकाल रही हूँ। इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहें तो तरबूज के छोटे छोटे पीसेस भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने रेडी कर लिए हैं, अब हम फटाफट से मोहितों को असेंबल करते हैं। तो अब ग्लास में मैं डाल रही हूँ ढेर सारी आइस। गर्मी है तो ड्रिंक हमारा जितना चिल्ड होगा उतना ही मज़ा आएगा। अब थोड़ी सी डाल रही हूँ लेमन की स्लाइसेस। मैंने यहाँ पर नींबू की पतली पतली स्लाइसेस कट कर ली थी और ये जो हमने जूस प्रिपेयर करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ। तो 1/2 ग्लास मैंने भर दिया है जूस से और बाकी के ग्लास में मैं डाल रही हूँ क्लब सोडा। आप सोडा वाटर को भी एकदम चिल करके ही इसमें डालें। थोड़ी सी स्पेस मैंने रखी थी क्योंकि अब हम ऐड करेंगे ये जो वाटरमेलन के बॉल्स हमने रखे थे बना के, ये देखिए ऐसे मैंने इसमें डाल दिया है। और फाइनली गार्निश कर रही हूँ फ्रेश पुदीने की पत्तियों से। तो लीजिए हमारा एकदम बढ़िया रिफ्रेशिंग सा वाटरमेलन मोहितो रेडी हो गया है, एकदम कैफे स्टाइल, जिसे आप इतनी आसानी से फटाफट से घर में बना सकते हैं। और इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं है तो आप इसको गिल्ट फ्री होकर इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका वाटरमेलन मीठा नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं। वैसे जनरली वाटरमेलन काफ़ी मीठा ही होता है, और इसमें थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए आप इसमें चाहें तो सब्जा सीड्स या फिर चिया सीड्स को भी सोक करके डाल सकते हैं, वो भी हमें काफ़ी देर तक हाइड्रेटेड रखते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस ड्रिंक को इंजॉय करें। और अगर अचानक से घर पर गेस्ट आ जाए तो उन्हें भी ये सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक पिलाएं और इम्प्रेस करें। आई एम श्योर वो एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।